आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi 13 Pro 5G के बारे में। क्या कुछ इसके बारे में आपको डिटेल देखने मिलते हैं, क्या कुछ इसके बारे में फीचर्स हैं एंड क्या प्राइस है, वो ऑल डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप Xiaomi 13 Pro 5G बाय करने वाले हो, बिकॉज इस पेशन काफ़ी दमदार एंड फीचर लोडेड स्मार्टफोन है, तो आप सबको इसके बारे में जानना बनता है। बिना कोई देरी के कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करेंगे। तो बिना कोई देरी के कंटिन्यू करते हैं, बट चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से। ओवरऑल आपका डिवाइस काफ़ी ब्यूटीफुल एंड प्रोफेशनल डिज़ाइन के साथ आता है। लुक इसका काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी शानदार रखा गया है। कैमरा पर लाएगा कि ब्रांडिंग बैक पर शाओमी की ब्रांडिंग एंड यहाँ पर आपको जो कैमरा मॉड्यूल है इस बार वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। यहाँ पर आपको हाथ में होल्ड करने पर आपका स्मार्टफोन बल्कि नहीं लगेगा, काफ़ी लाइट वेट एंड काफ़ी स्लिम है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर से लैस देखने मिलता है, आयर ब्लास्टर ऑब्वियसली मिलता है यहाँ पर आपको, एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जितने भी फीचर्स मिलते हैं वो सारे मिलते हैं यहाँ पर आपको। यहाँ पर गाइस डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पर आपको डिस्प्ले 6.73 इंच का FHD प्लस सैमसंग 2K E6 AMOLED डिस्प्ले देखने मिलता है। यस, जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। 120 हर्ट्ज़ हाई रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस वाइड 1.11 ऑब्वियसली देखने मिलते हैं, एंड यहाँ पर आपको काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, उनका फीचर्स आपको ऑब्वियसली देखने मिलता है। तो ये स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में काफ़ी फास्ट है एंड काफ़ी स्मूथ है। प्रोसेसर यहाँ पर आपको कोलकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने लिए मिलता है, काफ़ी बेटर चिपसेट है। एडनो 740 का GPU देखने लिए मिलता है, एंड यहाँ पर आपको 4nm का चिपसेट है। तो यहाँ पर आपको बैटरी एफिशिएंसी एंड यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको इन वेरिएंट में देखने लिए मिलता है। एंड आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट की प्राइस और डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 13। बाकी इसमें कैमराज की बात है तो रियर पर आपको यहाँ पर 1 इंच का कैमरा देखने मिलता है, जो कि आपको सोनी IMX989 के साथ देखने मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप की बात करूँ तो गाइस यहाँ पर आपको एक पावरफुल कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा एंड जो उसके अलावा और दो कैमरा हैं उन तीनों का साइज 50 MP का रखा गया है। उसके अलावा LED फ्लैश बैक पर आपको देखने मिलता है। 32 की सेल्फी देखने मिलता है, 8K का ऑप्शन आपको बैक से ऑब्वियसली देखने मिलता है, फ्रंट पर 4K आप इजीली कर पाओगे। उसके अलावा बैटरी की बात करें, 5000 mAh की बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 0 से 100% 90 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देता है। तो काफ़ी आपका स्मार्टफोन फास्ट तरीके से चार्ज होता है। इसमें गाइस IP68 की रेटिंग देखने मिलती है। फ्रंट पर यहाँ पर आपको विक्टस ड्यूअल सिम स्लॉट देखने मिलता है एंड ड्यूअल जो स्टीरियो स्पीकर से लैस देखने मिलता है। ओवरऑल आपको स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट चॉइस हो जाता है अगर आप कोई इस टाइम एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हो। Xiaomi 13 Pro 5G को आप ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा और भी अगर आपके माइंड में क्वेरी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से बताना। बाकी आपको स्मार्टफोन के फीचर्स कैसे लगे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मैं बताऊँ उसको न्यूज में, तब तक लेगा ऑलवेज स्माइल।